रामनगरी अयोध्या, जहां राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक है। बीते गुरुवार को रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए। अब उद्घाटन के दिन भगवान की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचेंगे, जिसके लिए कड़ी तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी और तमाम प्रमुख चेहरों के आगमन को लेकर पूरी अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से पहले अयोध्या में सरयू नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे, जिसके बाद पीएम राम मंदिर जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। वहीं इससे पहले एसपीजी के अधिकारियों ने अयोध्या में सरयू घाटों पर जाकर जायजा लिया। इन्हीं सुरक्षा के इंतजामों को देखने के लिए पंजाब केसरी की भी टीम पहुंची। इस दौरान वहां कैसी व्यवस्था रही, इसे जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो सरयू में स्नान करेंगे। हमारी जो मौजूदगी है वो सरयू घाट के किनारे, और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरयू घाट पर आने स्नान करने को लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही है। हम एक एक चीज को बारीकी से समझाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहीं पर आएंगे जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का पूजन की शुरुआत हुआ था। उसके बाद वो ये जो केबिन है यहाँ पर बैठेंगे, और यहाँ पर पहले से ही जो पुलिस के लोग हैं उनकी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है। अगर कहें तो घाटों की साफ सफाई भी की गई है बकायदे, ताकि कहीं पर कोई गंदगी ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अगर बात करें तो उनको लेकर जो अयोध्या प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं उसमें दिखाना चाहिए कि यहाँ पर इस घाट के किनारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि यहीं से स्नान करने के बाद वो सीधे श्री रामलला के गर्भगृह पहुंचेंगे, जहाँ पर पूजन में शामिल होंगे। लेकिन एक एक चीज को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो किया गया है सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं उनको तैनात किया गया है। साथ ही साथ अभी कल से जो है यहाँ पर एनएसजी के लोग हैं वो भी तैनात कर दिए जाएंगे। बाइक बोट पे जो है इस पुलिस जो है वो भी तैनात रहेगी, यानी कि एनडीआरएफ और समेत तमाम जो पुलिस फोर्सेज हैं उनकी तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर जो तैनाती है वो किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहिए ये जो केबिन के बगैर सामने जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा का एक एक चीज बारीकी से जांचा जा सके। और लोगों को अभी से यहाँ से आने से मनाई किया गया है, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और स्नान करें तो इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद और बेहतर रहे। और यही वजह कि लगातार पुलिस यहाँ पर मॉनिटरिंग भी कर रही है। स्टीमरों के माध्यम से यहाँ पर जो है निगरानी अभी से रखना शुरू कर दिया गया है, ताकि कहीं पर भी कोई सुरक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो सके या फिर कोई घटना ना हो सके, इसको लेकर पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, अयोध्या। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।